एंड तक जरूर देखिएगा। एंड जितने भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। सो इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप सभी स्टूडेंट्स के कॉलेजेस के लाइब्रेरी के बारे में, ठीक है। सो कब आपको जाना है कॉलेजेस, तो 17 तारीख से आप जब भी स्टूडेंट जाएंगे सो आपको कॉलेजेस के लाइब्रेरी के अंदर जरूर विजिट करना है। एंड मोस्टली स्टूडेंट्स को कॉलेजेस के लाइब्रेरी के बारे में नहीं पता होता है, तो मेरा सजेशन रहेगा जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं अपने लाइब्रेरी को जरूर देखिएगा। आधे घंटे के अंदर आप कॉलेज के तो मास्टर हो जाएंगे, मतलब कि सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि कैंटीन कहाँ है, कॉलेज की लाइब्रेरी कहाँ है, सोसाइटीज़ कहाँ रन कर रही है, डांसिंग सोसाइटीज़ कहाँ हैं, एंड एनएसएस का ऑफिस कहाँ है, एनसीसी की कहाँ ट्रेनिंग चल रही है, बाकी सारी जो भी एक्टिविटीज़ होंगी सारी एक्टिविटीज़ आपको पता चल जाएगी सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स के अंदर, यानी कि 30 मिनट के अंदर, ठीक है। सो आपको बता देता हूँ मैं, कॉलेज लाइब्रेरी के अंदर आप जाएंगे सो इस तरीके का आपको कार्ड शो करना पड़ेगा तभी आप लाइब्रेरी के अंदर जा पाएंगे। बट अगर आपके पास फर्स्ट ईयर के हैं तो इस तरीके का कार्ड नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये कॉलेज की आईडी कार्ड है, इस तरीके का कार्ड आपको नहीं दिया जाएगा। आपको जो है अपना फीस स्लिप निकलवा लेना है, अपने बैग में कैरी कर लेना है जब भी आप सभी स्टूडेंट्स कॉलेज के अंदर विजिट करेंगे, ठीक है। तो अपनी फीस स्लिप डाउनलोड करके निकलवा लीजिए कहीं से भी, ठीक है, साइबर कैफे जाकर, या फिर घर पर अगर है लैपटॉप एंड प्रिंटर तो वहाँ से निकलवा लीजिए, लेकिन ले जरूर लेना। उसके भी है पर बिना फीस स्लिप के आपको जो है हो सकता है बहुत मुश्किल होगा कॉलेज के अंदर एंट्री करना। तो कॉलेज के अंदर आपको जाना है तो अपनी फीस स्लिप जरूर ले लेना, और फीस स्लिप ले जाओगे ना तो क्लासेस वगैरह आप सभी स्टूडेंट्स की लगेगी, तो आपके प्रोफेसर आपको बता देंगे कि आप सभी स्टूडेंट्स का आईडी कार्ड बन गए हैं या इतने टाइम बाद जो है आप सभी स्टूडेंट्स को आईडी कार्ड दे दिया जाएगा। तब तक आपको जो है वो कहीं भी जैसे कॉलेज की लाइब्रेरी में जाना है या फिर कॉलेज के अंदर एंट्री करना है, आउट करने के समय में जो कोई चेकिंग नहीं होती है, बस आते समय में आपकी आईडी कार्ड जरूर शो करना होता है। तो फिलहाल के लिए आपका आईडी कार्ड आपका फर्स्ट सेमेस्टर का फीस स्लिप ही रहेगा, तो फीस स्लिप को जरूर कैरी कर लेना। तो आपको क्या काम करना है वहाँ पर, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी बुक्स वगैरह हैं आपकी वहाँ पर जाइए एंड उसकी फ़ोटोज़ खींच लीजिए, या फिर आपके कॉलेज के अंदर हर सभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेज के अंदर एक फोटोकॉपी की दुकान होती है जिसके अंदर जो है आप सभी स्टूडेंट्स को अपने सेमेस्टर की जो बुक की जो फोटोकॉपी होती है वो बहुत ही लोवेस्ट प्राइस पर, आई थिंक कि अगर मान लीजिए कि बुक 250 रुपये की है तो आपको जो उसकी प्रिंट आउट है यानी कि जो फोटोकॉपी की जो प्रिंट आउट है वो महज और महज सिर्फ 60 से 70-80 रुपये, ज़्यादा नहीं होने वाले, 60 से 70 रुपये के अंदर मिल जाएगा अगर बुक 250 रुपये की है, तो इतना डिफरेंट होता है। अगर आपको पर्सनल चाहिए सारी चीज़ें, तो अगर बुक नहीं चाहिए देन आपको सिर्फ लाइब्रेरी से ही बुक इशू करनी है, तो आप सभी स्टूडेंट्स काम के कर सकते हैं कि फीस स्लिप दिखाकर एंड अपना आई कार्ड जो है वो पता कर लीजिए अपने प्रोफेसर से कि हमारा आई कार्ड कब तक आ रहा है। प्रोफेसर नहीं बताते हैं क्योंकि इन सभी चीज़ों को जो है वो सौंपा जाता है किसी और को, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस को। तो अपने प्रोग्राम के, अपने कोर्स के तहत जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होगा वहाँ पर जाकर पता कर लीजिए कि हमारे आईडी कार्ड जो है वो कब तक आ रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपका आईडी कार्ड रिन्यूअल हो जाएगा फीस स्लिप के बिहेव पर एंड आपको दे दिया जाएगा। देन आप जो है आईडी कार्ड के बीस पर आप सभी स्टूडेंट्स अपनी कॉलेजेस की लाइब्रेरी के अंदर जाकर अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी बुक्स हैं उसको इशू कर सकते हैं एंड पढ़ सकते हैं एंड अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अपने ओपन बुक एग्ज़ाम के अंदर। बाकी आप सभी स्टूडेंट्स को ओपन बुक एग्ज़ाम के अंदर जो भी मेरे से हेल्प हो सकेगी वो मैं ज़रूर प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। आई होप कि वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इम्पॉर्टेंट रही होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, जितने भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।